वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन और ऑनलाइन सपोर्ट में हूँ राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ अच्छे अच्छे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं या फिर हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ बेस्ट एजुकेशनल एंड बेस्ट टेक्निकल टिप्स। तो मेरा सारा वीडियोज आप तक पहुंच सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और बात कि अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो फिर से सब्सक्राइब बटन ना दबाएं, नहीं तो आप फिर से अनसब्सक्राइब हो सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो है 100 मार्क्स का, ये जो 11 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में मैथमेटिक्स पूछा गया है, मैं उसके ऑब्जेक्टिव का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही संतुष्ट और संतोषजनक होगा। मैं अपने एक एक ऑप्शन का मेरा सही है ये मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एनालिसिस से। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका यहाँ क्वेश्चन पेपर है, मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है, इस पर कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं डिफाइंड। तो इसका फार्मूला होता है 2 to the power n² सो n का जो वैल्यू है वो यहाँ 2 है, तो 2 to the power 2 का स्क्वायर 2 to the power 4, डेट मीन्स इसका आंसर होगा 16। सेकेंड क्वेश्चन आइए, a इज इक्वल टू 1 to 3 और f सच डेट a to a एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसमें, मतलब सॉरी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन नहीं, मतलब ये कौन सा इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, उसी का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा जिसमें दो सेम इमेज बन रहे हैं। तो हम केवल सारे ऑप्शंस का इमेज देखते हैं। ए का जो इमेज डेट मीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इमेज यानी कि आपको सेकंड कोऑर्डिनेट देखना है, जिसमें दो सेकंड कोऑर्डिनेट सेम हो गए हैं उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमको फंक्शन का पता ही है कि फंक्शन में दो अलग अलग का सेम बन सकता है बट एक ही का दो नहीं बन सकता है। तो अगर दो सेम इमेज को हम प्री इमेज बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसका डिराइव करना। तो इसमें हम देखते हैं कि किसका किस में ये इमेज सेम आ रहा है। तो इसमें 1 to 3 डिफरेंट है तो इसका पॉसिबल हो जाएगा इन्वर्स, 3 to 1 इसका भी इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा, 2 to 3 to 1 इसका भी इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा, बट बी में ये हमारा ऑर्डर पेयर 2 और ऑर्डर पेयर 3, यहाँ जो 2 का 1 और 3 का 1, तो इसको पलटना पॉसिबल नहीं है, ये फिर फंक्शन के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसका हम इन्वर्स यानी प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं, वही हमारा क्वेश्चन था कि किसका प्रतिलोम आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब आइए थर्ड में आते हैं, 3a, इसमें तो बस कुछ नहीं है, आप मैपिंग कर दीजिए। मैपिंग के लिए इधर देखिए फंक्शन दिया हुआ है x+5, आप बारी बारी से पुट कीजिए, सब में 1 में 5 जुड़ेगा तो 6, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7, 3 में 5 जुड़ेगा तो 8, डेट मीन्स अलग अलग का अलग अलग मैपिंग हो रहा है, उसके बाद फिर b के टोटल का मैपिंग हो रहा है। तो अलग अलग का अलग मैपिंग तो एक यानी 1 1 और टोटल का बी में मैपिंग तो अच्छादक यानी कि ऑन 2, तो हमारा 3 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 4 में चलते हैं, संबंध से छोटा। देखिए, सबसे पहले तो सममित होने के लिए क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्यों छाटा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए छटा बिकॉज बोल रहा है कि सममित। सममित मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ है वो रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 is less than 5 मतलब 3 5 से छोटा है, लेकिन क्या 5 को हम 3 से छोटा कर सकते हैं, मतलब सिमेट्रिक होने के लिए उसको हमको पलट के देखना होगा, यानी कि एक तरह से वो जो हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम वो होना चाहिए, पलट के सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सममित नहीं होगा बिकॉज अगर 3 5 से छोटा है तो 5 3 से छोटा नहीं होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं। उसके बाद मैंने तो बी मारा है कि ये संक्रामक होगा। मैं पहले सी को बता देता हूँ, सी क्यों छटा। सतुल्य का मतलब होता है ओन के साथ रिलेशन बनाना, मतलब अपने आप के साथ, जैसे 3 लिया तो फिर वो रिलेशन फिर से 3 के साथ सही होना चाहिए। डेट मीन्स 3 कभी भी अपने आप से छोटा नहीं हो सकता है, 3 is less than 3 नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो जब सिमेट्रिक और यानी कि जब सममित और स्वतुल्य नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध होने का तो खैर कोई चांस नहीं है। तो अब संक्रामक, अब मैं संक्रामक समझाता हूँ। संक्रामक का मतलब होता है कि अगर जो रिलेशन ए का बी के साथ है और जो रिलेशन बी का सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ बनना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 8 से,
तीन छोटा है पाँच से, पाँच छोटा है आठ से, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं थ्री छोटा होगा फाइव एट से लास्ट वाले से, तो डैट मीन्स ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का सी, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसको देखिए कैसे मैंने तोड़ा है। इसको टू पाई माइनस, इसको टू पाई माइनस टू पाई बटा फाइव ऐसा करके इसको तोड़ा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे तोड़ेंगे आप, टू पाई माइनस टू पाई बटा फाइव, तो पाँच दूने दस, दस में से दो गया आठ, पाई बटा पाँच आ रहा है। और फिर इसको अब क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के अकॉर्डिंग तोड़ दिया गया है। ये कॉस एक 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो डेट मीन्स ये बच जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस और कॉस इनवर्स वन हो जाएगा, तो फिर हमारा टू पाई बाई फाइव बचेगा। अगर इसका आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करने पर आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर में इसको, एक मिनट, आप इसको एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, डेट मीन्स एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप पुट करते हैं, ये देखिए इधर सॉल्यूशन मैंने किया है, तो इसका पूरा का वैल्यू टू थीटा आ जाता है, टू थीटा आ जाता है तो थीटा निकलेगा इतना करके, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका देखिए सॉल्यूशन बगल से आप देख सकते हैं मैंने किया है, और लास्ट में बस यहाँ पे एक आपको पुट करना है थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के, तो आपका वैल्यू इतना आ जाएगा टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसका भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आइए, मैं सॉल्यूशन बिल्कुल दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, इसको मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने ये देखिए जो बगल में आपको दिख रहा है ये फुल सॉल्यूशन इधर मैंने किया है, इसको जोड़ के और इसको फिर लाया है थ्री पाई बाई फोर, इसका सॉरी ऊपर वाला सॉरी, तो इसका पाई बाई फोर, क्योंकि सब में सब लास्ट में जुड़ के दे देता है टेन इनवर्स वन कैसे, तो सबसे पहले आप कॉट इनवर्स को पलट के, मतलब इसका थ्री को वन बाई थ्री करके इसको टेन में बदलेंगे। अब टू टेन इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको भी टेन में बदलेंगे, यहाँ टू टेन इनवर्स समथिंग को टेन में बदलेंगे, इस ये भी टेन में बदलेंगे वन बाई सेवन करके, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टेन इनवर्स ट्वेंटी फाइव बटा ट्वेंटी फाइव आएगा, दोनों जुड़ के टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाई फोर। अब आइए क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं, इसमें कुछ नहीं, टेन इनवर्स वन का वैल्यू फोर्टी फाइव, कॉस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू एक सौ बीस, एक सौ बीस और पैंतालीस ये हमारा हो गया 165, 120 इसका वैल्यू हो जाता है, इसका 45, 165, 165 और इधर साइन इनवर्स माइनस आपका माइनस 30, यानी 165 में से माइनस 30 गया, तो डेट 165 में से 30 गया तो यहाँ बच जाएगा 135, 135 का वैल्यू 3 पाई बाई 4, एट का ऑप्शन नंबर बी। नाइन, नाइन तो ये मैंने तो सेट भी जो बताया था उसमें नाइन का क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसमें कुछ नहीं है, लैम्डा गुना करते हैं डेल्टा में तो सबके साथ जाता है, तो इसका सॉरी यहाँ पे गलत लग गया है ऑप्शन, यहाँ इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सबके साथ जाएगा ये, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर टेन है वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको दूंगा। इसमें क्या है कि ए बी सी जो है एपी में है, तो कंडीशन जीरो का बन जाएगा, बिकॉज सारा हम यहाँ देख रहे हैं वन टू थ्री एपी में है, टू थ्री फोर एपी में है, तो ए बी सी भी अगर एपी में होगा तो इसका जीरो बनेगा। सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा। इलेवन का भी मैंने सॉल्यूशन किया, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ करना क्या। सबसे पहले आप इसको तोड़ेंगे तो आपका एक आएगा क्यूबिक इक्वेशन यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे, x माइनस सेवन और x माइनस टू, एक्स माइनस सेवन और x माइनस टू को गुना करेंगे तो आपको एक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन। अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन से आप डिवाइड कर देंगे इस क्यूबिक इक्वेशन को तो आपको आ जाएगा एक्स प्लस नाइन। अब एक्स प्लस नाइन को जीरो जब करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस नाइन, तो इलेवन का ए। सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ क्या है, आप सब जानते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अगर हम जीरो पुट करते हैं तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से नीचे से चलते हैं वन, अगर इसको जीरो पुट करते हैं तो वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर यहाँ भी अगर जीरो पुट करते हैं तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पेयर कंप्लीट करके वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ वैल्यू जीरो आ जाएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू जीरो। ऐसे इसको लीगली सॉल्यूशन से भी आप बना सकते हैं, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, फिर वही बात सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आइए, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर। अब क्या है, इसका ट्रांसपोज करके जोड़ना है, तो ट्रांसपोज करके जब आप जोड़ते हैं तो क्या इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस फिर माइनस साइन,
और उसके बाद साइन इधर, दोनों को जोड़ेंगे तो साइन साइन खत्म। और उसके बाद फिर जब प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos alpha का वैल्यू, यहाँ 2 cos alpha और इधर भी 2 cos alpha। जब उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 cos alpha, 2 cos alpha का वैल्यू यहाँ जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हो जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने किया था 4 cos² alpha इज इक्वल टू 1 हो जाता है डिटर्मिनेंट निकालने के बाद। 4 cos² alpha का वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हो जाता है 1, और उसके बाद जैसे ही 1 उसका वैल्यू होगा तो हाफ, तो हाफ देता है ये 60 डिग्री में। तो डैट मीन्स इसका ऑप्शन बी, 13 का बी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सब जानते हैं माइनस कर देने पर ये एंटी सेमेट्रिक होता है, सॉरी एस्क्यू सेमेट्रिक होता है, और प्लस कर देने पर सेमेट्रिक होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये मैंने सॉल्व किया है, ओके ये मैंने सॉल्व किया है, इसका I3 आएगा। करना क्या होता है बता देते हैं, मैं बता देता हूँ। मैं ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आप यहाँ पुट करो, ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, उसके बाद ए क्यू का वैल्यू को आप ए में बदलो। कैसे बदलोगे, तो ए क्यू को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर को ए में बदल दो। मतलब इस तरह से इसको मैंने इधर सॉल्व किया है कहीं, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये मैंने सॉल्व किया है, ए क्यू प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² इस तरह से करके मैंने सॉल्व किया है। इसमें क्या क्या, ए क्यू को फिर ए स्क्वायर फिर से हो गया ए, और ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू वेयर हेयर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से तोड़ के मैंने जब देखा तो पूरा ए वाला कंडीशन कट गया, ओनली मुझे बच गया I3 का क्यू। तो I3 का क्यू डैट मीन्स फुल्ली आई। चलिए आइए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 का है बिल्कुल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं बता देता हूँ 2 by 2 में क्या होता है, एडज्वाइंट निकालने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। आप जो इधर मेरा R1 का जो सेकंड होता है और इधर R2 का जो फर्स्ट होता है आप उसको पलट देते हैं। तो जब आप इसका एडज्वाइंट का जब आप वैल्यू निकालते हैं तो उसका वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो डैट मीन्स ये, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में आइए कि मुझे 16 का सर सॉल्यूशन कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत हल्का है, इसको करना क्या है, पहले से 1x और 10x का कर लेना है डिफरेंशिएशन अलग से। डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको sec बाहर चला जाएगा और फिर से एक पेयर बगल में बनेगा sec x + tan x का, फिर log समथिंग का 1/something होता है ये, फिर नीचे चला जाएगा उसको काट देगा, बच जाएगा sec। चलिए आइए अब इसका आते हैं 18 का। लगता है 18 का मैंने किया नहीं सॉल्यूशन, ओके तो इसको कमेंट में कीजिए, मैं आपको 18 का सॉल्यूशन देता हूँ। आइए 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 छूट गया है, 18 मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप कमेंट करो, बिल्कुल मैं बताऊँगा, एकदम श्योर है, बिल्कुल मैंने बनाया है इसको, इसमें सॉल्यूशन डाला ही नहीं। तो इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये जो आपको कॉट इनवर्स दिख रहा है निगेटिव में, इसका निगेटिव आगे ले आओ आप, ये प्लस में चला जाएगा, फिर कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ऐड करने के बाद नीचे में 0 आ जाता है, 0 डैट मीन्स इन्फिनाइट, टेन इनवर्स का वैल्यू इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट कितना में, 90 डिग्री में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा π/2, फिर डिफ्रेंसिएशन π/2 का 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है 2 पर पावर x का 2 पर पावर x log 2, डिफरेंशिएशन 3 पर पावर x का 3 पर पावर x log 3। अब 2 पर पावर x 3 पर पावर x सेपरेट कर दिया तो 2/3 पर पावर x, और log 2/log 3 को लिख सकते हैं log 2 with base 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आइए नीचे, इसमें कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इतना आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आप डिफरेंशिएशन को 0 मानो तो tan x का वैल्यू आ जाएगा √3, डेट मीन्स π/3। और जब हम साइन कन्वेंशन या साइन स्कीम से देखेंगे तो फिर देखेंगे कि वहाँ π/3 पर ही ये अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो डेट इज़ द राइट आंसर इज़ π/3। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो सिंपल है, आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो आपको आ जाएगा डेरिवेटिव के ऊपर में आपको साइन आएगा, sin x² जैसे ही आप x का वैल्यू √π डालोगे तो x² π, सभी लोग जानते हैं sin π का वैल्यू भैया 0 होता है, दैट मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके डी बनाया है, आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आओ, ऑप्शन मिलेगा, सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, मैं सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये जो लिमिट लगेगा, लिमिट लग के इसका वैल्यू 1, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये लिमिट में जाओ, 11th में चैप्टर है, या फिर आपको कंटिन्यूटी में भी इसका लिमिट निकालने के लिए बताया गया है, x^5 - a^5 / x - a का वैल्यू 1 होगा, और n into a to the power something जो भी हो, और उसके बाद फिर
डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको ये जीरो देगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस टू एक्स का वैल्यू हो जाता है, वन प्लस कॉस टू एक्स का वैल्यू हो जाता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटा टू, तो टू रूट में है चूंकि ये, तो टू रूट में चला जाएगा। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, सो डैट सॉरी इंटीग्रेशन साइन, सो डैट 25 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो सो ईजी, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स क्यू को जेड मान लेना है, और जेड मानोगे आप तो ये एक्स स्क्वायर आपका डेरिवेटिव में इन कर जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। सॉल्यूशन इन कमेंट बॉक्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत ईजी है, आपको इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको इस टाइप का फॉर्मूला पे ये बैठता है, ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स, और उसके बाद आगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस फॉर्मूला से मैंने इसको बनाया है। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 सभी जानते हैं, और फंक्शन का ये जो माइनस ए से जाता है वो जीरो हो जाता है, अगर ये इवन फंक्शन होता तो ये होता ऑप्शन, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यानी निगेटिव डाला तो निगेटिव निकल गया, तो डेट मीन तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या किया है, रेंज पलट दिया है भैया, रेंज पलटोगे तो निगेटिव छोड़ देगा, निगेटिव छोड़ देगा तो दोनों कट जाएगा, कट होके दे देगा जीरो, ऑप्शन नंबर डी। एकदम क्लियर है, आपको चाहिए किस तरह से प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इसको तो मैंने बनाया है, ये कुछ नहीं करना है, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर देना है, आपको कॉस दे देगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। ओके, तो पाई बाई टू का जीरो दे देगा और फिर माइनस में चल जाएगा आपका कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू माइनस में यानी वन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी इजी है, एक्स स्क्वायर बाई टू और उसके बाद फिर इसको पुट कर दीजिए वन और जीरो, आपको हाफ दे देगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में ये देखिए सबसे कोटिड मतलब हाइयर डेरिवेटिव, हाइयर डेरिवेटिव टू, डेट मीन्स कोटि इसका दो, और घात वही हाइयर डेरिवेटिव का घात देखिए तीन, यानी कोटि दो और घात तीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में इसका हल बोल रहा है, मैंने इसको सॉल्यूशन किया है, बिल्कुल बिल्कुल ये बगल में ही देखो आप, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, बट यहाँ से समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में आओ, मैं इसको सॉल्यूशन करके दूंगा अगर आपको चाहिए तो, 34 का ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और, कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़, इसको मैंने जल्दी जल्दी में भी बनाया है, तो कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, 50 मार्क्स का है, थोड़ा इधर उधर, बट एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन इधर उधर या मिसमैच हो सकते हैं ऑप्शंस थोड़ा बताने में, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, मुझे माफ़ करोगे, और एक दो ही हो सकता है बस, एकदम 100% इसको राइट मान के चलो, एक दो तो भगवान भी माफ़ करती है। चलो तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये जो हमारा इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है, इंटीग्रल फैक्टर इसका लॉग एक्स होता है, किस तरह से, तो मैं आपको ये बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप आ जाओ, मैं बता देता हूँ कि इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए, ये मैं बताता हूँ बिल्कुल ईजिली आपको। क्वेश्चन नंबर 36 में इसका वैल्यू तो भैया एक्स स्क्वायर बटा टू आएगा, तो खोज लो चारों में, चलो ठीक है। अब इसका कैसे, इसका कैसे, तो मैं ऑप्शन से आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, एकदम कॉमन चीज़, कि यहाँ जब x का डिफरेंशिएशन हुआ, जब x का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये निगेटिव में चला गया, डैट मीन्स कि x नीचे है, क्योंकि जब भी आप x बटा बाई का निकालते हो तो बाई का डिफरेंशिएशन के टाइम नीचे निगेटिव जाता था, और उसके बाद फिर इसको आप करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी दे देगा, यहाँ x नीचे रहेगा, ये क्लियर है, और निगेटिव नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो भैया रूल की वजह से गया, एक्स बटा बाई के रूल से, तो 36 का बी। फिर आप यहाँ आओ, कुछ नहीं करना है, ये जो आप आई जे और टू दिख रहा है, सब के आगे आई के आगे एक, जे के आगे एक और के आगे टू है, दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक चार, एक पाँच, एक छः, छः का रूट रूट सिक्स, इसको बटा में कर दो, हो गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ रहा डायरेक्शन कोसाइन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही जो अभी पीछे किया, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ के 169, 169 का रूट 13, सबको बटा में कर दो, 3 का बटा में 13 माइनस 4 का बटा में 13, 12 का बटा में 13, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आइए, लंब यानी परपेंडिकुलर का कंडीशन है, तो आई वाला का आई के साथ गुना करो, जे का जे के साथ, के का के साथ चिन्ह समेत, और जीरो करो, एक्स का वैल्यू दे देगा
टू और माइनस फाइव, यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगा सॉल्व करने पर, टू और माइनस फाइव इसमें कुछ नहीं है, आई और जे गुना करेंगे तो, एक मिनट, आई जे गुना करेंगे तो बन जाएगा के, आई और जे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई जे में बन जाएगा के, फिर आई के में बन जाएगा जे, जे के में आई, आई जे में के, इसमें भी ऑप्शन मैंने ये लगाना है मुझे, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी मार्क मैंने नहीं रखा है रियल वाला, तो 40 का ए ऑप्शनों का दोनों, ये आई और जे गुना होके देगा के, फिर आई और के गुना कर होके दे देगा जे, इस तरह से तीन पेयर बन जाएगा आई जे के का। फिर वही है, के और आई गुना होके दे देगा जे, जे और के गुना होके दे देगा आई, तो इसी तरह से तीनों पेयर। बाई एक्स का डायरेक्शन कोसाइन बी, बाई एक्स का ले रहे हैं बाई एक्सिस का, तो इसका बाई का बचेगा वन, बाकी का जीरो हो जाएगा। 42 भी हल्का है, एक्स जेड है तो एक्स जेड में एक्स और जेड जीरो, एक्स सॉरी एक्स बाई है तो एक्स बाई में एक्स और बाई कोई भी जीरो नहीं होगा, जेड जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ये, इसमें देखिए दो आएगा, दो इसमें भी वही करना है जो मैंने अभी इधर किया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गुना करके, तो इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग गुना करो, कोरस्पॉन्डिंग गुना करके जीरो करो, ये देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे दो दे देगा लैम्डा का, तो लैम्डा का वैल्यू दो, ऑप्शन नंबर बी। इधर आप आइए, इनके बीच का डिस्टेंस सभी लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, घटाओ स्क्वायर करो, घटाओ स्क्वायर करो, जोड़ो रूट करो, ऑप्शन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 45, ये लो मैंने इसे भी नहीं मारा, मैं अभी इसे बता रहा हूँ बिल्कुल, इसको मैं बना के बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आ जाओ, ये सी नहीं है, ये मारा नहीं है, पहले से मारा हुआ है, मैं इसको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, 45 का मैं दे रहा हूँ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में अब बर्जी का कंडीशन है, तो डेट मीन्स इंटरसेक्शन जीरो है, ये दो क्वेश्चन बच गया, मुझे याद दिला दो, मैं उसका दे दूंगा सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 47 में तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसी की ज़रूरत है, ऊपर में इंटरसेक्शन जाएगा, नीचे में बी जाएगा, 1/4, 1/2, 1/2 देगा बना के 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि वन है, डेट मीन्स कि इंटरसेक्शन दोनों का पी ऑफ ए के बराबर है, तो ए और बी के इंटरसेक्शन निकालने पर ए ही दे रहा है, डेट मीन्स ए सबसेट है बी का। क्वेश्चन नंबर 49 देखो कितना हल्का था, आप ऑप्शन से चलो ना, ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाएगा, पहले देखो 1+√x का 1/2√x, यानी कि 1/2√x, अब ऊपर में पहले से जो दो था वो यहाँ दो है, अब लॉग समथिंग का 1/समथिंग, 1+√x, अब क्या करो आप कि दो दो कट कर दो, अब यहाँ रूट एक्स जो हमारा है वो इससे गुना होके रूट एक्स रह जाएगा, और बगल वाले से गुना होके एक्स दे देगा, डेट मीन्स 49 का बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, क्वेश्चन नंबर 50, इसको तो हम, ये सीरीज का वैल्यू होता है, सीरीज का वैल्यू होता है, फिर एन का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करके आप इसका वैल्यू 1 लाओगे, तो आप बिल्कुल इसका वैल्यू 1 ला सकते हैं, इसको पलट के मैंने अभी बताया है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आओ, और वो दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं आपको दे देता हूँ करके। और एक चीज़ और, इसका सब्जेक्टिव का भी मैं सॉल्यूशन करूँगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक अभी वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करूँगा। अगर आप लोग बना के आए हैं और आपको ताज़ा 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 याद है, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को भी मिला लें और देख लें और एक अनुमान कर लें, क्योंकि बहुत सारा ये उत्सुकता रहती है कि मेरा कितना मार्क्स है वगैरह वगैरह ये सब, तो आपको थोड़ा सा मैं इस टाइप से संतुष्टि प्रदान करने का काम करूंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, मेरे ये दो मोटिवेटिव वीडियो जरूर देखें, और सब्सक्राइब करने के लिए आने वाले सर्कल को दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।